नमस्कार अर्गस अपडेट को आपन को स्वागत करछि मु स्मृति लग्ना प्रथमे हेडलाइंस कोरोना स्थिति ने प्रधानमंत्री का चिंता आज 6 राज्य रो मुख्यमंत्री का सहित कथा हेबे मोदी वर्चुअल प्लेटफार्म रे आलोचना ओडिसा आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र केरल तमिलनाडु रो कोरोना स्थिति रो करिवे समीक्षा थमुनी मृत्यु खसुनी संक्रमण आज राज्य में पुणी 64 मुंड नहीं कोरोना खोर्धार सर्वाधिक 22 जीवन नेला महामारी 24 घंटा 2037 पॉजिटिव सरला पंचम पर्याय लॉकडाउन आज राज्य में नुआ गाइडलाइन लागू अगस्त 1 पर्यंत आंशिक लॉकडाउन बलबत्तर खोलला जिम स्पा ब्यूटी पार्लर गड़ला बस यात्रा परिवेशन को अनुमति देवाक कलाकार दावी चुड़ी हल्ला बोल कोरोना काल में अघोषित दर वृद्धि को विरोध आज 4 दिन धरी आंदोलन समस्त विद्युत वितरण कंपनी आगे आंदोलन कर बीजेपी बलांगीर चारभट्टा पेक्स संपादकों घरे विजिलेंस चढ़ाओ आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग मसूद मोहम्मद घरे रेड एक कालीन तीनोटी स्थान में छपा मारा विजिलेंस मध्यप्रदेश विदिशा जिले में बड़ धरणर अघटन लाल पठार गांव में जनक बंचाइवा जा कूर खसी पड़े 30 अधिक 4 जन मृतदेह उद्धार एवं भी फसी रही अनेक उद्धार कार्य जारी एवं आज श्रीक्षेत्र में हेरा पंचमी नीति नंदीघोष रथर चक भांगे मां लक्ष्मी नाकचणा द्वार दहीपटी मणोही नीति संपादन करे भितरच्छु महापात्र रोग जर्जरिता चंचला आड़प मंडपर दर्शन देवे महाप्रभु संपूर्ण खबर को आसीबा राज्य में थमुनी कोरोना मृत्यु संख्या आज पुणि थरे 64 मुंड नहीं महामारी खोर्धार सर्वाधिक 22 जन जीवन जाई बरगड़ 10 बालेश्वर 8 सुंदरगढ़ 7 जन मृत्यु होई से गंजाम 6 कंधमाल संबलपुर 2 जन लेखाएं मृत्यु होई सेपटे गत 24 घंटार रिपोर्ट कहते राज्य में 2070 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती 1195 जन संगरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले स्थानीय संक्रमण संख्या 875 रही खोर्धार सर्वाधिक 446 जन आक्रांत होता सूचना राज्य सूचना और लोकसंपर्क विभाग तरफ तथ्य दिखाई कोरोना स्थिति ने प्रधानमंत्री चिंता आज 6 राज्य मुख्यमंत्री सहित आलोचना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री मान सहित वर्चुअल आलोचना करेंगे ओडिशा आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र केरल तमिलनाडु मुख्यमंत्री सहित आलोचना करेंगे पीएम ये सब राज्य में कोरोना स्थितर समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री पूर्व उत्तर पूर्व राज्य मुख्यमंत्री मान सहित प्रधानमंत्री आलोचना कर सारी बिजुली पाई हल्ला बोल कोरोना काल में अघोषित विद्युत दर वृद्धि को विरोध करिछि बीजेपी आज 5 दिन धरी आंदोलन करिब दल समस्त विद्युत वितरण कंपनी आगे आंदोलन करिब बीजेपी कोरोना समय अघोषित दर वृद्धि लोकों समस्या को द्विगुणित करिछि बोली दल आनिछि अभियोग ए बाबद्र अधिक सूचना पाई प्रकाश महांती बालेश्वर प्रतिनिधि सीधासलख जोड़ी होती प्रकाश समस्त विद्युत वितरण कंपनी आगे आज बीजेपी आंदोलन एवं अनेक समय अघोषित विद्युत काट को दर वृद्धि लो वोल्टेज एमती समस्या रो धाड़ी खूब लंबा रही कोरोना काल में विशेष भाव लोकों रोजगार प्रभावित होता बेले बिजुली दर वृद्धि लोकं हंतसंत कर देखत तो स्मृति लग्ना पखापाखि राज्य में 92 लक्ष जो बिजुली उपभोक्ता अच्छा राज्य सरकार ए बिजुली सेवा देवा ना ठकौर बीजेपी अभियोग करे कि अहेतुक विद्युत शुल्क वृद्धि अघोषित बिजुली काट
और लो भोल्टेज अर्थात गोटे प्रकार टिकस अधिका सेवा कम यहाँ प्रतिवाद कर बीजेपी कर्मकर्ता मैंने देखुं जो बालेश्वर बालिया जो बिजुली कार्यालय जो अच्छी विद्युत कार्यालय से एसी कार्यालय आगे से बस विक्षोभ करते अघोषित विद्युत कार्य को बंद कर विद्युत शुल्क बृद्धि तुरंत प्रत्याहार करने दाबी ता सहित अन्न्य कथा नहीं कि जो राज्य सरकार गोटे प्रकार कम दर में बिजुली किणु मैंने बिकुला बेले अधिका दर देखिए बिजुली जो किणुचार प्रतिवाद करयालय आगे विक्षोभ करसबू जो दाबी रही सेगुड़ी सरकार मानि निर प्रतिवाद से आज कार्यालय आगे बस आम तक प्रथम प्रतिज्ञा ना आज्ञा आम देखु आपने आज जो ये विक्षोभ कर प्रकृत में विक्षोभ कर लिखिंट अहतिक विद्युत शुल्क अघोषित बिजुली काट और लो भोल्टेज यहाँ प्रतिवाद कर बीजेपी आज राज्य रास्ता गोल नहीं देखु भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति श्री समीर महांति आह्वान क्रमे ये जो राज्य रे कोविड समय रे जेते बेले लोकंकर आर्थिक अवस्था स्वच्छल नाही सेते बेले विद्युत दर को कोनोसी प्रकार कथा नथाई कि विद्युत दर वृद्धि करिबा बात्या समय रे कथा को काम न करिकि अजथारे अघोषित विद्युत काट करिबा आउ लो वोल्टेज प्रतिवाद रे आज आम ये प्रतीकात्मक धारणा आपण देखंतु इलेक्ट्रिक डिविजन रो मेंटेनेंस पाई आईपीडीएस स्कीम हो सौभाग्य योजना रे पैसा हो केंद्र सरकार प्रचुर अर्थ देचंती एबे इलेक्ट्रिक बिल को वृद्धि करके से टंका कोन पई निया जाउछ यार कोनोसी कारण नहीं यथार्थ नहीं किंतु तथापि राज्य सरकार ये सबु कथा परे जेमिति गरीबों को परे माड़ हो लोक जमी हंतसंत हूँ से प्रकार व्यवस्था करवस्था विरुद्ध आमर आज ये धारणा विरुद्ध जानता राज्य में जो विद्युत उत्पादन हो राज्य अगर राज्य को बिकुची कम किणुच अधिका दर देख शुणु सरकार एटी उत्पादन करा से उत्पादन रो उत्पादन करशार लोक तार सुजोग पाइबे अगर राज्य मैंने पाइबे एटी आम छः बिकी आम बार टकर किणुचे यही सरकार कारण एटी सरकार निज पकेट गरीबाकरण करवाक चाहती जो कथा आमर मान्यवर नेता कहते से कथा सत कथा वर्तमान समय जो भाई लोक पैसा नहीं लोक पांच पैसा दबार क्षमता ना से समय तुम विद्युत शुल्क बढ़े चलच से समय इलेक्ट्रिक जो समय कोरोन लोक घरे रोच्च कौन सरकार कहते पदा को बाहर घर रुहतु कि घर रही कौन गरम सतंतु एटी लोक विजुड़ी पा ना साधारण लोक विजुड़ी पा ना कि कंपानी मानक विद्युत दे चल जोड़ी कंपानी मान कोटी कोटी टाइम विजुड़ी बिक्री करा किंतु साधारण लोक विजुड़ी दि जाऊ साधारण लोक तर सेवा पाई पा ना कंपानी मान को पोषापी जो राज्य सरकार जो व्यवस्था मध्य विरोध कर कहे आप जानते बालेश्वर जिले में जो कंपानी गुड़िक अच्छी शिल्प गुड़ी अच्छी कोटी कोटी टकर बकैया पड़ी से गुड़ा आदाय कर साधारण लोक यदि जो बिल नदी एभली अभियोग कर लाइन कटि जाऊँच कितु कंपानी करतृपक्ष किसी कौन कौन पदकेप एटी राज्य सरकार नीति होउची जे काउ पणस खाइब आउ अठा बग मुंडरे सरकार बोलुचंती ये बेहा सरकार ओलाजुक सरकार ये टाटा कंपनी को सहित या सलाह सूत्रा बुझामणा रही कोटी कोटी टंका जेतेबेले बाकी रही कंपनी मानक सेतेबेले समानंकु छाड़ करी ये गरीब लोकंक उपरे मिछ बिल करुचंती एहाकु प्रतिवाद करी भारतीय जनता पार्टी आज प्रत्येक धारणा देछि भारतीय जनता पार्टी पांच दफा दाबी नहीं आज ए आंदोलन उल्लेखि जे सरकार एक रु शहे यूनिट पर्यंत गोटे स्लाब्रे से विद्युत शुल्क आदाय करंतु एवं वर्धित इलेक्ट्रिक बिल को प्रत्याहार करंतु लो वोल्टेज जो समस्या रहुची पिला माने ऑनलाइन ले पाठ पढ़ी पार ना लैपटॉप चालू ना लोक घरे रही ऑफिस काम करी पारु नांती से लो वोल्टेज समस्या को तुरंत समाधान करिवार सो एग्रीकल्चर एवं कोल्ड स्टोरेज पाई सब्सिडी दिया जाऊ एवं चतुर्थ दिन पंचम जिनिस होउची जे सरकार तुरंत भावरे बारंबार जो अघोषित विद्युत काट करुचंते ताको बंद करी 24 घटिया विद्युत सरबराह करो ओके 24 घंटा विद्युत सरबराह रो दाबी रोतला प्रदीप्तंक पाखो को जीवा अमर रिपोर्टर प्रदीप्त मध्य जोडी होई छेंते हम सहित प्रदीप्त वर्तमान जहां अपन जानि छेंते राज्य रो अनेक जगह रे बीजेपी विक्षोभ प्रदर्शन करूची बिजुली दर वृद्धि को नेकी वर्तमान अपन को जगह रे अछेंते कोन चित्र सामना को आछी निश्चित भाव में स्मृति लग्ना आप जो कथा कहले आम बर्तमान डुमडुमा इलेक्ट्रिक ऑफिस जो रही इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस आम से निकट अच्छू और भुवनेश्वर जिला बीजेपी जो खंडगिरी मंडल रही
ବ୍ୟବସାୟୀ ମଣ୍ଡଳ ସହିତ ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ସିଂ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ସମାନ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଜୁଳି ଦରକୁ କମାନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି ଦେବୁ, ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଜୁଳି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦିନକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ କଲେଜ, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତା'ର ଗୋଟିଏ ମାସ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ସେ ଦେଇପାରୁନି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜେପି ପରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଘରୋଇକରଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଡିସ୍କମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଯେଉଁ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଓଇଆସି ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା। ନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଇସା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସହାୟତାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 6 ମାସ ଭିତରେ 2-2 ଥର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, 2-2 ଥର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 20 ପଇସା, ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 30 ପଇସା, ଏହିଭଳି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 50 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଲ୍ ଦେଉଥିଲେ ପାଖାପାଖି ଡବଲ ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି କି, ଏତିକି ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବେଡ଼ି ଉପରେ କରୋନା ସଦୃଶ ସାଜିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆପଣ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଗତ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା 6-6ଟି ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି ଏବଂ ସେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ହେଉ କି ବାତ୍ୟା ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାବଦକୁ। ସେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାର ଜବାବ ମଧ୍ୟ, ତାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ ୟା ଉପରେ କୌଣସି ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭା ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭାରେ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକାଶ ରହିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରିପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ବିଜେପି କିଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି ତମାମ ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧ ବା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ କରୋନା ପାଇଁ ରୋଜଗାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା। ସମୟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା ଖବରକୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପାଲି ଚାରଭଟା ପେକ୍ ସମ୍ପାଦକ ମସଜିଦ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି, ଏକକାଳୀନ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା। ପୈତୃକ ଘର ସହିତ ଚାରଭଟା ପେକ୍ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଦୁବ୍ଲା ପେକ୍ ଅଫିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ମାରୁଛି, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି।
एवं आय बहिर्भूत संपत्ति ठुलर अभियोग रही जो आधार चली चढ़ाऊ एक कालीन तीन स्थान में चढ़ाऊ चली सूचना पैतृक घर समेत चारभटा पेक्स ऑफिस रे रेड हो दुबला पेक्स ऑफिस रे मध्य रेड कर विजिलेंस मासूद महम्मद अच्छा पैक्स सेक्रेटरी जोटा कि रोचे पैक्स गोटे चारपटा रोच गोटे दुबला रोच तरह पाखे सोनपुर जिला कोर्ट को वारंट पड़े घर जो बर्तन रही सालेपल्ली बलांगीर जिले ये घरटा बर्तन सर्च कर ऑफिस आम जो रही दुटा पैक्स से पैक्स दुटा भी सर्च कर कौन अभियोग थी अभियोग आय बहिर्भूत संपत्ति क्रम चलिए देखु पत्र सब कागज पत्र अच्छे किसी असुविधा ये देख आपतृक संपत्ति थी आगे आप गाँव पैतृक जमी बाड़ी अच्छे अभियोग ज्वाई को पथर छेची हत्या करा दैछि घटना घटी ब्रह्मपुर उपखंड रंधा गांव हरिजन साहि झिकीपदर गांव शशुर घर रंधा को आसी दिलीप दास पुणि थे कहू ज्वाई को पथर रे छेची हत्या करा दैछि ब्रह्मपुर उपखंड रंधा गांव हरिजन साहि दृश्य देखा मिली झिकीपदर गांव शशुर घर रंधा को आसी दिलीप दास तेबे शशुर घरे हत्या करा जाइथिबा सूचना घटना रे जनक अटक रखी पुलिस वर्तमान तदंत जारी रही शशुर घरे ज्वाई को एभली भाव में पथर रे छेची हत्या करा परे स्थानीय अंचल रे जोरदार चर्चा सरला पंचम पर्याय लॉकडाउन आज सारा राज्य में लागू है नुआ गाइडलाइन अगस्ट एक पर्यंत आंशिक लॉकडाउन जारी रही भितरे राज्य में किसी नियम कोहल कड़ाकड़ी नियम नुआ गाइडलाइन हिसाब से सारा राज्य में बस गड़ी पुरी में रथयात्रा चली 25 जुलाई पर्यंत बस चलाचल करना सारा राज्य में ऑटो टैक्सी चलाचल आरंभ कर आज जिम ब्यूटी पार्लर स्पा खोली पार्क मॉल सिनेमा हॉल बार बंद रहिबो स्कूल कोचिंग सेंटर खोलिबो नाही यहा सहित रेस्टोरेंट एवं उठा दुकानी केवल पार्सल दे परिबे पूर्व भली कैटेगरी ए रे 20 जिला रहिछि कैटेगरी बी रे रहिछि सेई 10 जिला कैटेगरी ए सकाळ 6 रो राती 8 जाय दुकान बाजार खोला कैटेगरी बी रे सकाळ 6 रो संध्या 5टा जाय दुकान बाजार खोला रहिबो सरकारंकर पदक्षेप को आम स्वागत करुचु किंतु आमर सरकार पाखे तीन टी कथा निवेदन थिला जे प्रथमे आमर तीन मासर टिकस छाड़ जो थे कि जुलाई मासर टिकसटा को सरकार छाड़ कर अगस्ट सेप्टेम्बर छाड़ करना द्वितीय कथा हला जे आमर 100 लाख टंका सॉफ्ट लोन आमको दि जाऊ 24 किस्ती रे आम बिना सुधरे फेरदेबू जो थे गाड़ी चलवाई बर्तमान ये डीजेल 100 टंका आमपाई चलेकू भाइबिलिटी आने आमपाई भारी कष्टदायक आमर जंत्रांश बैटरी और आनुषंगिक जंत्रांश सब डैमेज होड़ी से सॉफ्ट लोन 100 लाख टंका दरकार तृतीय है जे आमर इन्शोरेन्स जो लॉकडाउन पीरियड में जो बंद थी इन्शोरेन्स अविधि ऑटोमेटिकली ये करा जाऊ जो छाड़ करा जाऊ अविधिटा बढ़ा जाऊ जो कि आम सुजोग पाइबू जे सरकार ये जो पदक्षेप को आम स्वागत करूँ यात्री मान कटक यात्री मान सुरक्षा देवाई आम प्रस्तुत अच्छु बुझल ना तेणुकर जी पड़ आम तो बर्तन परिस्थित एमती है आम जी कौन परिस्थित कौन सुरक्षा देवु तेणुक आमको बर्तन जीव जीवा कि पोषा को अच्छे जेकोसी मत हो गाड़ी चलने आम चिरभुक्त हबु भुवनेश्वर सका सका आज अनेक जिम सेंटर खोली शहीद नगर लीजेंड यूज्ड फिट जिम खोलिबा परे लोके आसी फिटनेस सरकार को कोरोना कटकणा को मानि जिम खोलिथिबा कहिसेंति जिम रो मालिक लोक माने भी कटकणा को मानि एठा को आसुथिबा देखिबा को मिलछि मेंटेन आ समस्त मास्क वेयर करते दिन है बंद थी जेहेतु काली भी गाइडलाइन चेंज है कि खोलने सुविधा है तो जाओ एवं लगुच एटलिस्ट एमें आसपार टी जाम बॉडी फिटनेस प्रायोरिटी फोकस दे पार डेफिनेटली आमको तो खुशी लगुच जेहेतु
बहुत दिन पर सरकार आम कथा शुणी आटा गोटे सबु फिटनेस इंडस्ट्री जिते भी पर्सनस अच्छा जो मैंने एथेरे जॉब करूँ जो मैंने एथरु किसी इनकम कर स्पेशली गोटे भल न्यूज आम आंशिक खुशी कारण आमर डिमांड थिला जिम तो निश्चिंत ओपन हो ता छड़ा आमर आर्थिक जो मेरुदंड भांगी जाइछि ताको तापर किसी कंपेनसेसन देवाई हुए तो गवर्नमेंट किसी समय नौकर आलोचना करने आम आशा रखुच्छे गवर्नमेंट तापर जो दिन गुरुत्व आरोप करेंगे आम निश्चिंत अधिक खुशी हबु जिम सानिटाइजेशन हो मास्क समस्त पिंधुंती एंड सका बेला खराब बेला कि रात बेला लोक मैंने लिमिटेड आस टाइम स्लट्रे आसवा कथा आसवे बोधे एंड मु मास्क पिंधि बिकज मु वर्कआउट करें फ्लोर में बहुत लिमिटेड लोक रोचार चार जन मैक्सिमम कि पाँच जन रोच तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे गुजरात रे अनेक गुरुत्वपूर्ण रेल प्रकल्प उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। एथिस गुजरात साइंस सिटी आक्वाटिक्स एवं रोबोटिक्स गैलरी एवं प्रकृति पार्क को जनसाधारण उद्देश्य रे उत्सर्ग करेंगे। गांधीनगर राजधानी एवं वारेथा भितर दुईट नूतन ट्रेन गांधीनगर राजधानी वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस एवं एमएमयू सबुज फ्लाग देखाई प्रधानमंत्री मोदी यार उद्घाटन करेंगे बोली जमापड़ी। एने प्रधानमंत्री कार्यालय पक्ष दि जाइए सूचना। तेज गांधीनगर राजधानी रेल स्टेशन को 71 कोटी टंका व्यय आधुनिकीकरण कर आधुनिक विमान बंदर विश्वस्तरीय सुविधा पाई दिव्यांगों सुविधापाई स्वतंत्र टिकेट विंडो रैंप लिफ्ट एवं सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था कर समग्र बिल्डिंग को सबुज कोठा भाव में डिजाइन कर मध्यप्रदेश विदिशा जिले में बड़ धरणर अघटन घटी। लालपठार गांव एक कूर से खसी पड़ते 30 रु अधिक लोक से भितर 19 जन को उद्धार कर फसी रही अनेक कू भितर 4 जन मृतदेह उद्धार कर एनडीआरएफ एसडीआरएफ स्थानीय प्रशासन पक्ष उद्धार कार्य जारी रही। गत काली स्थानीय अंचल में जड़े पिला कूर से खसी पड़ता उद्धार करने लगी प्रबल भिड़ लोकों गहली में कूर ऊपर स्लाब धसी जाता फल घटनास्थल में उपस्थित 30 रु अधिक लोक कूर भितर खसी पड़े। खबर पाइबा उद्धार कार्य जारी रही। उद्धार कार्य को त्वरान्वित करने निर्देश देते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। घटनास्थल में मंत्री विश्वास सारंग और जिला प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी पहुंची उद्धार कार्यर समीक्षा करने। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रे थिबा विधायकों पदवी रद्द मामला राज्यपाल निष्पत्ति छाड़िले हाईकोर्ट विधायक भाव में निर्वाचित होगा पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तथा लाभजनक पदवी में रही मंत्री भली विभिन्न सुविधा सुजोग उपभोग करुछंती विधायक जहाँकि संविधान विरोधाचरण करुछि। एभली जनप्रतिनिधि मानक पदवी को रद्द करने रुजू होता मामला को शुणा हाईकोर्ट राज्यपाल निष्पत्ति छाड़ी। राज्यपाल भारतीय निर्वाचन कमिशन को मत नहीं नवंबर 8 तारीख पूर्व ए आवेदन अंत घटाइबा को हाईकोर्ट तांकर राय रे कहिछंती। नवंबर 15 तारीख पूर्व ए निष्पत्ति संपर्क में राज्यपाल आवेदनकारी को अवगत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रो आईनजीवी समरेन्द्र बेउरा पक्षर आगत मामलार शुणानी करी हाईकोर्ट मुख्य विचारपति जस्टिस एस मुरलीधर और विचारपति जस्टिस एसके पाणिग्राही को नहीं गठित खंडपीठ ए राय देइछंती। कौन सी भी लाभजनक पदवी में रखा जाए देखिए जिते डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी जिला योजना बोर्ड हो वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल ए सबू पद गुड़ाक जिते रखाला रैंक आउ स्टेटस मिनिस्टर दिगला तो मिनिस्टर रैंक एंड स्टेटस दिगला क्या कैबिनेट रैंक दिगला क्या एमओएस रैंक दिगला तो से सबू जिनस जितेबाला रैंक एंड स्टेटस मिलला से सहित हाउस अलाउंसेस लाइक बहुत सारा गाड़ी एमती बहुत किसी जिनस दिगला स्टेट स्टेट एक्सचेकर मानने राज्य सरकार तरफ दिगला जोटा अटोमेटिकाली आपड़ जदि सुप्रीम कोर्ट को जया बच्चन जजमेंट अनुसार
तो सेटा ऑटोमेटिकली लाभजनक पदवी हो विधायक पदटा तक रद्द हवा कथा। तो संविधान धारा 192 आर्टिकल 192 अनुसार जे 191 अनुसार से रद्द हवा कथा 192 अनुसार जेकोसी लोक चाहिए से गवर्नर को पेटिशन करपर। आदि आप देखिए वृंदावन नायक जजमेंट, वृंदावन नायक वर्सेस इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट कर गोटे 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट अच्छी जो थे लिखाई गवर्नर कौन सी डिसीजन निजे ने गवर्नर यहाँ प्रथम इलेक्शन कमिशन को पठेबे। इलेक्शन कमिशन तांको ओपिनियन देला परे गवर्नर से ही ओपिनियन हिसाब रे वेदर डिस्क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड नॉट डिस्क्वालिफाइड से ओपिनियन टा गवर्नर कौन सी एमएलए को अगेंस्ट रे कहिबे। तो सेमिति गवर्नर किछि न करिकि बसी पड़ला परे आमे प्रथमे सुप्रीम कोर्ट रे तापरे सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन टा को विड्रॉ करिकि पुणी हाई कोर्ट रे फाइल करिया पई कहिला। आमे ओडिसा हाई कोर्ट रे करथिलु। तो 13 तारीख रे मान्यवर उच्च न्यायालय तांको ऑर्डर रे कहिले ऑफिस ऑफ गवर्नर को कहिले कि आपण शीघ्र इलेक्शन कमिशन को तार ओपिनियन पई पठांतु आउ जहाँ भी ओपिनियन इलेक्शन कमिशन कर हबो से ओपिनियन अनुसार तांको डिसीजन नहीं कि 8 नवंबर सुधा सबुजाक डिसीजन नियंतु। समय छि बुलेटिन को एठ रखबा। नमस्कार।